जब कभी जंगल के इन दो खूंखार जानवरों का जिक्र होता है तो आंखों के सामने इनके खतरनाक चेहरे अपने आप ही आ जाते हैं। जहां शेर जंगल का राजा है और अपने रुतबे के लिए जाना जाता है, तो वहीं बाघ बेहद चालाक और ताकतवर है, जिसका सामना करना किसी जानवर के लिए आसान नहीं है। आपने इन दोनों शिकारी जानवरों को अलग अलग तो शिकार करते हुए देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इन दोनों के बीच ही लड़ाई हो जाए तो जीत किसकी होगी? क्या शेर बाघ को मार गिराएगा या फिर बाघ शेर को ही पटखनी दे देगा? चलिए बात करते हैं इन दोनों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जंगल के राजा शेर की। इसकी ताकत का अंदाजा तो हम सभी को है, क्योंकि ये वही शिकारी है जिसके सामने जंगल का हर जानवर थर थर कांपता है। इसका रुतबा इतना विशाल है कि जंगल में किसी जगह पर इसकी मौजूदगी ही हवा को शांत कर देती है। तो वहीं बाघ ऐसा दरिंदा है जिसकी फुर्ती और शिकार करने की काबिलियत इसे दूसरे शिकारियों से अलग बनाती है। जंगल के सबसे बड़े और खतरनाक जानवरों में इसका नाम भी शामिल है। ये इतना खूंखार है कि इसके आने पर बड़े से बड़े जानवर अपनी जान बचाने की कोशिश में लग जाते हैं। वैसे तो ये बात जग जाहिर है कि शेर का साइज दूसरे जानवरों की तुलना में बड़ा होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में दो तरह के शेर पाए जाते हैं जिनका साइज अलग अलग होता है। इनमें से पहला है एशियाई शेर और दूसरा है अफ्रीकन शेर। एशियाई शेर, जिसे हम भारतीय शेर के नाम से भी जानते हैं, ये केवल भारत के गुजरात में ही पाया जाता है और यहाँ के गिर फॉरेस्ट की शान बढ़ा रहा है। इसकी लंबाई करीब 8.5 फीट और ऊंचाई तकरीबन 3.5 फीट होती है, जबकि इनका वजन 160 से 190 किलो होता है। वहीं अफ्रीकन शेर ईस्टर्न और साउथ अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। इनकी लंबाई करीब 10 फीट और ऊंचाई तकरीबन 4 फीट होती है, जबकि इनका वजन 200 किलो या इससे भी अधिक होता है। वहीं बाघ की बात करें तो हमें थाईलैंड, इंडिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा, बांग्लादेश, रशिया आदि देशों में देखने को मिलता है। इनके शरीर की लंबाई 12 फीट या इससे भी अधिक होती है, तो वहीं इनकी ऊंचाई तकरीबन 4 फीट होती है, जबकि किसी बाघ का वजन 300 किलो के करीब होता है, जो शेर के मुकाबले बहुत ज्यादा है। मतलब यदि बात शेर और बाघ के बीच लड़ाई करवाने की हो तो हमें अफ्रीकन शेर को ही आगे रखना चाहिए, क्योंकि अगर इस हैवान का मुकाबला एशियाई शेर से होता है तो शेर के हारने के चांस तो बढ़ ही जाते हैं। स्ट्रेंथ, टीथ एंड क्लॉ साइज। इसके अलावा अगर इन जानवरों के मजबूत दांतों को देखें तो किसी शेर के दांत 10 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। ये इतने मजबूत होते हैं कि किसी के भी शरीर को फाड़ने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन जब बात बाघ के दांतों की आती है तो इनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। यही नहीं, बाघ के दांत शेर के मुकाबले अधिक मजबूत और नुकीले होते हैं, जो इसे एक बार फिर ताकत के मामले में शेर से बेहतर साबित कर देते हैं। हालांकि सिर्फ दांतों के मजबूत और बड़े हो जाने से ये तो साबित नहीं हो जाता कि वही जानवर विजेता बनने वाला है, क्योंकि किसी भी जानवर के लिए जरूरी है कि वो अपने शिकार पर कितनी मजबूती से अपने चबड़े की पकड़ बनाता है। तो इस बारे में आपको बता दें कि जंगल के राजा शेर का बाइट फोर्स 650 PSI होता है, तो वहीं किसी बाघ का बाइट फोर्स 1050 PSI होता है। यानी इस जगह पर भी हमें बाघ का ही पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। उदाहरण के लिए, हम इंसानों का बाइट फोर्स 70 PSI होता है और इसके साथ ही हम कई हार्ड चीजों को काट देते हैं। तो आप खुद सोचिए, शेर और बाघ अपने शिकार का क्या हाल करते होंगे। वैसे शेरों के बारे में ये बात मशहूर है कि जब ये शिकार के लिए निकलते हैं तो अपने साथ पूरा झुंड लेकर निकलते हैं। इनके इस झुंड को प्राइड कहा जाता है। तो वहीं बाघ अकेला ही शिकार करने चला जाता है, क्योंकि वो अपने एरिया में किसी और बाघ को नहीं आने देता। साथ ही इसे अपनी ताकत का भी अंदाजा है और वो जानता है कि शिकार उससे बच नहीं पाएगा। बाघ के पंजे भी शेर की तुलना में कुछ बड़े होते हैं, जो उन्हें किसी शिकार पर अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद करते हैं। यही नहीं, जहाँ कोई शेर 12 फीट ऊंचाई तक उछल सकता है, तो वहीं बाघ इस मामले में शेर से 2 कदम आगे है और वो करीब 15 फीट ऊंची छलांग लगाने में उस्ताद है। ब्रेन साइज। कुछ रिसर्च के मुताबिक शेरों के मुकाबले बाघ न केवल फुर्तीले हैं, बल्कि साथ ही आक्रामक भी हैं। शेर तब तक किसी काम को करने के लिए अपने कदम आगे नहीं बढ़ाता जब तक कि उसे खुद उसकी जरूरत ना पड़े, जबकि इसके उलट बाघ किसी भी काम को करने में बेहद फुर्ती दिखाते हैं। शायद इसका कारण इन दोनों जानवरों के ब्रेन साइज का एक बड़ा अंतर है। वैसे हमने हमेशा से यही सुना और देखा है कि शेर अपने शिकार को बड़ी बेरहमी से मारता है और शिकार करने के लिए अपने दिमाग का बेहतरीन उपयोग करता है।
होता है। लेकिन आपको ये बात हैरान कर सकती है कि शेर का दिमाग बाघ के दिमाग के मुकाबले में छोटा होता है, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि बाघ किसी शेर से अधिक बुद्धिमान होता है। अब अगर इन सब चीजों को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बाघ का पलड़ा भारी है। लेकिन किसी जंग के लिए केवल इतना ही काफी नहीं होता, इसलिए हम भी कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं और इनके बारे में थोड़ी और जानकारी लेने के बाद ही इस फैसले पर पहुंचते हैं कि इन दोनों की लड़ाई में जीत किसकी होगी। अटैकिंग स्ट्रेटजी। आपने शेर और बाघ की कई क्वालिटीज पर तो नजर डाल ही ली है, लेकिन अगर इनकी अटैकिंग स्ट्रेटजी से ही हम वाकिफ नहीं होंगे तो शायद ये नाइंसाफी होगी। वैसे बात अगर शेरों की हो तो इनके केस में आपको ये देखने को मिलेगा कि इनका हमला अपने शिकार पर बेहद दमदार होता है। ये अपने शिकार को देखते ही उस पर झपटता है और उसे पकड़कर ही दम लेता है। अटैक करने के लिए ज्यादातर एक ही तरीके को अपनाता है, जिसमें ये अपने शिकार को उसकी गर्दन से पकड़कर जमीन पर गिरा देता है और तब तक अपने जबड़े से उसे आजाद नहीं होने देता जब तक कि उसके शिकार की जान न निकल जाए। जब ये शिकार करने के लिए दौड़ता है तब इसे देखकर ही इसकी ताकत का अंदाजा हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने भारी भरकम शरीर के बाद भी शेर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है। ये अपना पेट भरने के लिए दूसरे जानवरों का शिकार तो करता ही है, लेकिन कभी कभी तो इसका मुकाबला अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए दूसरे प्राइड के शेर से भी हो जाता है। ऐसे में दो शेर एक दूजे के खून के प्यासे हो जाते हैं और जब तक उनमें से कोई एक शेर हार नहीं मान लेता तब तक रुकने का नाम नहीं लेते। तो वही बाघ का अपने शिकार को पकड़ने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है। ये पहले जंगल में बैठकर अपने शिकार को देखता है और फिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद जैसे ही एक सही मौका आता है ये शिकार पर अपनी पूरी ताकत के साथ टूट पड़ता है। शेर की तरह ही इसकी भी स्ट्रेटजी शिकार को उसकी गर्दन से पकड़कर धूल चटाने की होती है। इसके पैने और बड़े दांत शिकार को छटपटाने का भी ज्यादा मौका नहीं देते और वो दम तोड़ देता है। हालांकि इसकी स्पीड शेर के मुकाबले कम होती है और ये 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ लगा सकता है, यानी अगर कहीं इन दोनों की लड़ाई हो जाए और बात भागने पर आए तो शेर आसानी से अपनी जान बचाने में कामयाब हो सकता है। हालांकि जहां शेर को आप हमेशा अपनी फैमिली या प्राइड के साथ देखेंगे तो वहीं बाघ अक्सर अकेले ही देखे जाते हैं, क्योंकि ये शेरों की तरह फैमिली के साथ रहने या फिर अपने झुंड को बड़ा करने में भरोसा नहीं रखते। ये जब अपनी फैमिली प्लानिंग को पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद अकेले रहना शुरू कर देते हैं और इसी तरह अपने खाने के लिए शिकार और रहने की जगह भी ढूंढ लेते हैं। अपीयरेंस ऑफ बोथ एनिमल्स इन जंगल। जंगल में किसी जानवर के आने पर दूसरे जानवरों में उसका खौफ ही उसकी कहानी बयां कर देता है। शेर की बात करें तो जब ये शिकारी किसी जगह कदम रखता है तो इसका पूरा ग्रुप इसके साथ चलता है, तो वहीं इसकी गर्दन के आसपास लहराते हुए बाल इसके लुक को और भी खतरनाक बना देते हैं। इन बालों के कारण इसे देखकर ही डर का माहौल पैदा हो जाता है और जंगल के हर जानवर का सिर अपने आप राजा के सामने झुकने लगता है। फिर जब शेर किसी जगह रुक कर अपनी दहाड़ मारता है तो इसे सुन जानवरों की रूह तक कांप जाती है। इसकी दहाड़ इतनी खतरनाक होती है कि शांत माहौल में आप इसे लगभग 10 किलोमीटर तक भी सुन सकते हैं। तो वहीं बाघ भले ये खतरनाक जानवर है और किसी की भी जान लेने की काबिलियत रखता है, लेकिन यह हमेशा अकेला रहना पसंद करता है, जिसके चलते दूसरे जानवरों पर इसका डर थोड़ा कम देखने को मिलता है। वहीं इसकी दहाड़ भी शेर के मुकाबले काफी कम है और शांत माहौल में भी 3 से 4 किलोमीटर तक ही सुनाई देती है। शेर जहाँ जानवरों के बीच हर वक्त दहाड़ते हुए पाया जाता है तो वही बाघ को सिर्फ गुस्से में ही दहाड़ते हुए देखा जाता है। Why lion is king of jungle, not tiger? शेर और बाघ के बारे में इतनी बातें जानने के बाद किसी के भी मन में सवाल आना तो लाजमी है कि अगर बाघ लगभग सभी बातों से शेर में आगे है तो फिर जंगल का राजा शेर क्यों कहलाता है। तो इसका एक सीधा सा जवाब जो हमें समझ आता है वो ये है कि केवल बड़ा शरीर होने या ताकत अधिक होने से आप कहीं के राजा नहीं बन जाते। जंगल का राजा बनने के लिए सबसे जरूरी होता है दूसरे जानवरों में आपका डर, आपका रुतबा, आपकी मजबूत पकड़ और दिल दहला देने वाली दहाड़, जिसके सामने कोई चाहकर भी अपना मुंह ना खोल पाए। इन्हीं सब कारणों से शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, बाघ को नहीं।
क्योंकि भले ही बाघ किसी शेर के सामने हर चीज में आगे हो, लेकिन जब बात राज करने की आती है तो वो शेर को टक्कर देने के मामले में अब भी बहुत पीछे है। बाघ वो जानवर है जो अकेला चलने में भरोसा करता है, तो शेर वो शिकारी है जिसमें ग्रुप को बांध कर रखने की ताकत है। यही वजह है कि शिकार करने का ज्यादातर काम शेरनी के जिम्मे होता है। हालांकि जब शिकार को खाने की बारी आती है तो उस पर पहला हक शेर का ही है। अब तो आप जान ही गए होंगे कि शेर ही क्यों जंगल का राजा है। फाइट बिटवीन बोथ एनिमल्स। चलिए वक्त आ गया इन दोनों के बीच विजेता का चुनाव करने का। तो आपको बता दें कि किसी भी लड़ाई में सबसे अहम है शिकार पर अपनी पकड़, और हम पहले ही ये जान चुके हैं कि दोनों अपने शिकार को उसकी गर्दन से पकड़ते हैं, लेकिन यहाँ शेर को अपनी गर्दन पर मौजूद बालों का फायदा मिलता है, क्योंकि जब बाघ उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो उसकी गर्दन तक पहुँचने में भी उसे बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन वहीं अगर शेर का जबड़ा बाघ की गर्दन तक पहुँच जाता है तो वो उसे पकड़ने में बिल्कुल देर नहीं लगाता। हालांकि यहाँ बाघ का बड़ा और वजनदार शरीर शेर को मात देने में काफी काम आता है। बाघ के पंजे तेज हैं, उसके दांत बड़े और नुकीले हैं, और उसका भारी भरकम शरीर शेर को मात देने की काबिलियत रखता है। इसीलिए तो बाघ और शेर की लड़ाई में अधिकतर जीत बाघ की ही होती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इन दोनों में जीत किसकी होती होगी, जंगल के राजा शेर की या फिर धुरंधर शिकारी बाघ की? हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं और नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं।